हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। जैसा कि आप सभी को पता है कि हमने प्रो सेक्शन भी स्टार्ट कर दिया है। लास्ट वीडियो में हमने किए थे फ्रांसिस बेकन पे 50 एमसीक्यूज और आज हम करने जा रहे हैं नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट राइटर ऑफ प्रोस जोसेफ एडिशन को। सो जोसेफ एडिशन पे आज हम करने जा रहे हैं 45 प्लस एमसीक्यूज। सो विदाउट मच अडू लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो का पहला क्वेश्चन है, इन विच ईयर एडिशन वॉज बॉर्न। एडिशन किस ईयर में पैदा हुए थे? ऑप्शंस हैं 1674, 1673, 1780 और 1672। सो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, 1 मई 1672 को पैदा हुए थे जोसेफ एडिशन। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, एडिशन वॉज, एडिशन क्या थे? इंग्लिश एसेइस्ट, प्ले राइट, पॉलिटिशियन, ऑल ऑफ दी अबव। सो वैसे तो हम एडिशन को एज एन एसेइस्ट ज़्यादा जानते हैं, लेकिन ये एक अच्छे प्ले राइट, पॉलिटिशियन और साथ में एक पोएट भी थे। सो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दी अबव। इसके बाद क्वेश्चन नंबर थ्री है, एडिसन्स फादर वॉज। सो एडिसन के फादर थे लेंसलॉट एडिशन और ये एक क्लेरिजीमैन थे। सो करेक्ट आंसर यहाँ पर होगा ऑप्शन ए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू विच पॉलिटिकल पार्टी एडिशन वॉज अ मेंबर ऑफ। किस पॉलिटिकल पार्टी के मेंबर थे एडिसन? सो करेक्ट आंसर यहाँ पर होगा ऑप्शन बी, विक पार्टी के मेंबर थे जोसेफ एडिशन। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, द स्पेक्टेटर वॉज स्टार्टेड बाई एडिशन एंड स्टील इन। सो एडिशन एंड स्टील का फेमस पीरियोडिकल है द स्पेक्टेटर और इसे इन्होंने स्टार्ट किया था 1 मार्च 1711 को। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, द स्पेक्टेटर केम आउट फ्रॉम मार्च 1, 1711 टू दिसंबर 6। सो कब इसको डिसकंटिन्यू कर दिया गया था? 1 मार्च 1711 में स्टार्ट हुई थी और दिसंबर 6, 1712 में इसको डिसकंटिन्यू कर दिया गया था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मैनी इश्यूज वर पब्लिश्ड इन द स्पेक्टेटर। सो द स्पेक्टेटर में टोटल कितने इश्यू पब्लिश हुए थे? सो करेक्ट आंसर यहाँ पर होगा ऑप्शन सी, 555। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, आउट ऑफ द 555 इश्यूज ऑफ द स्पेक्टेटर हाउ मैनी वर रिटन बाय एडिशन। सो स्पेक्टेटर के टोटल जो 555 इश्यूज थे उनमें से कुछ एडिशन ने लिखे थे, कुछ स्टील ने लिखे थे और कुछ अदर राइटर्स ने लिखे थे। सो यहाँ पर एडिशन ने टोटल 274 इश्यूज लिखे थे फॉर द स्पेक्टेटर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मैनी एसेज वर रिटन बाय एडिशन फॉर द टेटलर। सो द टेटलर को भी आप जानते होंगे, द टेटलर स्टील का पीरियोडिकल था और ये 1709 में आया था। सो इसके बारे में हम जो नेक्स्ट वीडियो करेंगे रिचर्ड स्टील पर उसमें पढ़ेंगे। सो यहाँ पर एडिशन ने कितने एसेज कॉन्ट्रीब्यूट किए थे? एडिशन ने किए थे 42 एसेज कॉन्ट्रीब्यूट फॉर द टेटलर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, एडिशन ऑल्सो रोट फॉर, एडिशन ने और किन किन मैगजीन्स या पीरियोडिकल्स के लिए लिखा था? सो ऑप्शंस हैं लंदनर एंड द गार्जियन, फॉर बोथ और नाइदर ऑफ देम। सो करेक्ट आंसर यहाँ पर होगा फॉर बोथ, इन दोनों के लिए ही एडिशन ने एसेज लिखे थे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर रोजर डी कवर्ली वॉज। सर रोजर डी कवर्ली फेमस कैरेक्टर हैं एडिशन के और ये थे द फेमस इमेजिनरी ओल्ड मैन ऑफ एडिशन्स एसेज। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, एडिशन वॉज ऑफन बीन हेल्ड एज द पाइनियर ऑफ। सो एडिशन को पाइनियर कहा जाता है किसका? द एसे फॉर्म, मॉडर्न नॉवल, द मिडिल स्टाइल और प्रोज फिक्शन। सो करेक्ट आंसर यहाँ पर होगा ऑप्शन सी, द मिडिल स्टाइल के लिए जाना जाता है एडिशन को। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, एडिशन वॉज, एडिशन थे एन एमपी, एन एमएलए, चीफ मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर। सो करेक्ट आंसर होगा इसका ऑप्शन ए, विक पार्टी के एमपी थे जोसेफ एडिशन। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पीरियोडिकल एसे वॉज द पिक्यूलियर प्रोडक्ट ऑफ। सो पीरियोडिकल एसे किस पीरियड का पिक्यूलियर प्रोडक्ट है? सो करेक्ट आंसर यहाँ पर होगा 18th सेंचुरी का। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, दस आई लिव इन द वर्ल्ड रादर एज अ स्पेक्टेटर ऑफ मैनकाइंड देन एज वन ऑफ द स्पीसीज। दिस लाइन इज टेकन फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग एसे। सो ये लाइन किस एसे की है? सो करेक्ट आंसर यहाँ पर होगा ऑप्शन डी, द स्पेक्टेटर्स अकाउंट ऑफ हिमसेल्फ। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, एडिशन्स द ड्रमर इज
डैश। सो एडिशन का जो ड्रमर वर्क है वो क्या है? सो करेक्ट आंसर यहाँ पर होगा ऑप्शन ए, अ मॉरल कॉमेडी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, एडिशन वॉज एसोसिएटेड विद, एडिशन किसके साथ एसोसिएटेड थे? मॉक क्लब, सटायरिकल क्लब, किटकैट क्लब और नन ऑफ दीज। सो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, किटकैट क्लब के साथ एसोसिएटेड थे जोसेफ एडिशन। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वॉज द को ऑथर ऑफ एडिशन्स राइटिंग द कावर्ली पेपर्स? सो एडिशन की जो राइटिंग थी द कावर्ली पेपर्स, इसके को ऑथर कौन थे? सो यहाँ पर बहुत आसान सा आंसर है ऑप्शन डी, रिचर्ड स्टील। काफ़ी सारे वर्क्स में इन दोनों का कोलैबोरेशन है, सो सिंपली आप गेस कर सकते हैं इसको। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कैरेक्टर एटिकस इज़ अ कैरिकेचर ऑफ, सो एटिकस नाम का जो कैरेक्टर है वो किसका कैरिकेचर है? सो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, एडिशन का। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु कैरिकेचर्ड एडिशन्स कैरेक्टर एज एटिकस, एडिशन के कैरेक्टर को एज एटिकस किसने कैरिकेचर किया था? करेक्ट आंसर यहाँ पर होगा ऑप्शन ए, अलेक्जेंडर पोप ने अपने वर्क एपिस्टल्स टू डॉक्टर अर्बुथनॉट में एडिशन के कैरेक्टर को कैरिकेचर किया था एज एटिकस। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ द ओपिनियन हिज आयरनी एंड अर्बेनिटी आर द टू मोस्ट प्रोमिनेंट ट्रेट्स इन द एसेज ऑफ एडिशन? सो ये ओपिनियन था लुब्बान का। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, द स्पेक्टेटर वॉज अ सीक्वल टू, द स्पेक्टेटर किसका सीक्वल है? सो करेक्ट आंसर यहाँ पर होगा ऑप्शन ए, द टैटलर का सीक्वल थी द स्पेक्टेटर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ मेम्बर ऑफ द स्पेक्टेटर क्लब? सो जोसेफ एडिशन का जो स्पेक्टेटर क्लब था उसके मेंबर इनमें से कौन नहीं है? सर रोजर डी कवरली ये तो मेंबर थे, कैप्टन सेंट्री, सो कैप्टन सेंट्री भी मेंबर थे, क्लैरिजी मैन भी इसके मेंबर थे, विल विम्बल इसके मेंबर नहीं थे। सो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, विल विम्बल करके जोसेफ एडिशन का एक सेपरेट एसे है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज द चीफ कैरेक्टर इन द कवरली पेपर्स? सो करेक्ट आंसर होगा इसका ऑप्शन ए, सर रोजर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सक्सेस ऑफ द स्पेक्टेटर वॉज इमीडिएट एंड परमानेंट, हुज व्यू इज दिस? सो करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, डेटन। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, एडिशन्स काटो इज अ, एडिशन का वर्क काटो क्या है? सो काटो है एक ट्रेजिडी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू विच लिटररी एज एडिशन बिलोंग्स टू? सो एडिशन किस लिटररी एज को बिलोंग करते हैं? करेक्ट आंसर इसका होगा ऑप्शन डी, न्यू क्लासिकल एज, और इसे हम ऑगस्टन एज भी कहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, एडिशन ऑलमोस्ट क्रिएटेड एंड परफेक्टेड इंग्लिश प्रोज एज एन इंस्ट्रूमेंट फॉर द सोशल थॉट, हु हैज़ दैट ओपिनियन? सो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, कोरथोप। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कैरेक्टर्स इन द कवरली पेपर्स इज अ मर्चेंट ऑफ ग्रेट इमिनेंस इन द सिटी ऑफ लंदन? सो मर्चेंट थे सर एंड्रयू फ्रीपोर्ट। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ईयर वॉज एडिशन इलेक्टेड एज अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट? सो एडिशन एक एमपी कब बने थे, किस ईयर में बने थे? सो करेक्ट आंसर यहाँ पर होगा ऑप्शन बी, 1706 में। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, एडिशन्स द कंपेन इज, सो एडिशन का वर्क द कंपेन क्या है? अ रोमांस, अ प्ले, अ पोएम, अ क्रिटिकल ट्रीटाइज। सो करेक्ट आंसर यहाँ पर होगा ऑप्शन सी, अ पोएम। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ रीडर सेल्डम परस्यू अ बुक विथ प्लेजर टिल ही नोज वेदर द राइटर ऑफ इट बी ब्लैक और अ फेयर वन, विच एसे बिगेन्स विद दिस ऑब्जर्वेशन? सो एडिशन का कौन सा ऐसे है जो इस ऑब्जर्वेशन के साथ शुरू होता है? सो करेक्ट आंसर यहाँ पर है ऑप्शन डी, द स्पेक्टेटर्स अकाउंट ऑफ हिमसेल्फ। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कैरेक्टर रिप्रेजेंट्स द क्लास ऑफ गैलेंट्री? सो करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी, विल हनीकॉम्ब। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मोस्ट परफेक्ट गिफ्ट दैट फिटेड एडिशन वॉज हिज सेंस ऑफ ह्यूमर, हु हैज़ दैट ओपिनियन? सो ये ओपिनियन था डेटन का। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वेस्ट इंडियन एंड द फैशनेबल लवर आर रिटन बाय? सो ये दोनों लिखे थे एडिशन ने। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है,
Which work of Addison offers an excellent example of the rhetoric and fine sentiment which are the essential of good writing? So, correct answer होगा इस question का option A, Cato, a tragedy. इसके बाद next question है, Will Wimble is from the pen of. So, Will Wimble, जैसा कि मैंने बताया था, ये Addison का ही एक essay है. इसके बाद next question है, Who said, Whoever wishes to attain an English style, familiar but coarse, elegant but not ostentatious, must give his days and nights to the volumes of Addison. So, ये किसका opinion है Addison के बारे में? Correct answer होगा इसका option A, Dr. Johnson का opinion है ये Joseph Addison के बारे में. इसके बाद next question है, Sir Roger at Home is written by. So, ये भी Addison का एक ऐसे है. इसके बाद next question है, The Spectator appeared in a week. So, Spectator एक हफ्ते में कितनी बार appear होती थी? Correct answer इसका होगा, Thrice in a week. एक हफ्ते में तीन बार appear होती थी, The Spectator. इसके बाद next question है, Addison was known as. Addison को जाना जाता था, Moral purifier of essays, The noblest purifier of English literature, The noblest prose writer of 18th century, the noblest novelist of the age. So, correct answer यहाँ पर होगा option B, the noblest purifier of English literature कहा जाता था Addison को. इसके बाद next question है, an account of the greatest English poets was the creation of which of the following author? So, an account of the greatest English poets को लिखा है Addison ने. इसके बाद next question है, The Vision of Mirza is a political allegory by which of the following? So, इसका भी correct answer होगा, Joseph Addison. इसके बाद next question है, Addison's Cato is. So, Addison का work Cato है, एक tragedy. इसके बाद next question है, Who said, I shall endeavor to enlighten morality with wit and to temper wit with morality. So, ये statement भी है, Joseph Addison का. इसके बाद next question है, In which year Addison died? Addison की death किस year में हुई थी? So, correct answer यहाँ पर होगा, option A, 17 May 1719 को Addison की death हुई थी. So, friends, ये थे 46 MCQs from Joseph Addison. कैसे लगे आपको ये MCQs? Comment section में ज़रूर बताएं. और अपना score आप लोग mention नहीं कर रहे हैं, तो अपना score भी आप comment section में ज़रूर लिखें. आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं next वीडियो में. Till then, stay tuned and thanks for watching this video.